ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मोतिहारी से है, जहां कोटवा हाई स्कूल के खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। वैसे लोग जम्मू कश्मीर से 370 हटाना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री ने देश में 4 करोड़ लोगों को घर दिया है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक के उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया है। किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को एक एक कर गिनाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इस चुनाव में विरोधी पस्त हो चुके हैं, वे सभी घबरा गए हैं। उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक देश में एनडीए की सरकार रहेगी, संविधान को कोई छू नहीं सकता। पीओके पाप है, मोदी जी उस कलंक को मिटाना चाहते हैं। वहीं सभा को पूर्व मंत्री सह विधायक प्रमोद कुमार, पवन जायसवाल, पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह, संतोष कुशवाहा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता अमित कुमार, विनोद एवं नंदू राय ने की। जन्म कुल में जन्म लेने वाले और रघु कुल में जन्म लेने वाली गंधारी कृष्ण के बुआ तो बोली, बोली कि बुआ मैं कैसे दुर्योधन का साथ दूं। गंधारी बोली कि कृष्ण तुम दुर्योधन का साथ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दुर्योधन का साथ नहीं दे सकता, इसलिए कि दुर्योधन के साथ धर्म है, अन्याय है, पाप है और मैं जदवंशी उसे साथ नहीं दे सकता। मैं पांडवों का ही साथ दे सकता हूं जिसके साथ धर्म है, न्याय है और पुण्य है। भगवान कृष्ण ने कहा था तुमको हम 56 करोड़ जदवंशियों के नाश का स्वीकार तुमके। कृष्ण ने कहा कि मुझे 56 करोड़ जदवंशियों का नाश स्वीकार है, लेकिन अधर्म और पाप का साथ स्वीकार नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, गंधारी बुआ, हम जदवंशियों को वरदान देते हैं, जदवंशी जब तक धर्म का ध्वज थामेगा, जब तक समाज का रक्षक रहेगा, जब तक द्रौपदी के चीरहरण को बचाता रहेगा, जब तक वह न्याय के पथ पर चलेगा, इस धरती से जदवंशियों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। यह वरदान है उनको। आज धर्म और न्याय पूर्ण आधार के जनता पार्टी के साथ है, अधर्म आपके पक्ष के साथ है, अन्याय उसके साथ है और इसलिए हम सब का धर्म है, हम सब हैं यहाँ बैठे हुए। ऐसे ऐसे तो मैं साबित करता हूँ, बड़ी सभा इसलिए नहीं, लेकिन सब एक है, इसको भी हम साबित करते हैं। जब हम गोत्र पूछते हैं तो कोई अलग नहीं होता, लेकिन अगर हम वंश पूछते हैं तभी हम अलग अलग नहीं होते। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति, अगर कोई कश्यप यहाँ बैस होगा तो कोई ब्राह्मण भी यहाँ बैस होगा, कोई यहाँ यादव भी कोई कश्यप हो सकता होगा। मैं ऊपर कभी आऊंगा तो बात करूंगा, लेकिन जब हम गोत्र से हैं तो हम सब एक हैं, और जब वंश में जाते हैं तो रघुवंशी और चित्रवंशी भी हम एक हैं, एक ही वंश के। गोत्र से हम सारे एक हैं, सारे सनातनी एक हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।